नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बनाना सिखाएंगे कि पहाड़ी डोसा कैसे बनता है। इसको हम पराठे जैसा भी बना सकते हैं, और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। पहले लाते हैं चावल। ये चावल सुबह से भिगाए हुए हैं। इन चावल को भिगा के इसका पानी निथार दिया गया है। और दूसरा है दाल, लोबिया की दाल है, इसको भी सुबह से भिगा रखा है, इसको भी भिगा के इसका पानी निथार दिया गया है। और तीसरा है प्याज, लहसुन, मिर्च, स्वाद अनुसार कुछ भी ले, अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और इसको हम ग्राइंडर करेंगे, बारीक पीसेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम सबको ग्राइंडर कर देंगे। अब हमने एक मिक्सर तैयार कर दिया है, इसमें चावल और लोबिया, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन और नमक मिर्च स्वाद अनुसार सब मिला के हमने एक पेस्ट तैयार कर दिया है। अब हम इस पेस्ट को हम कुछ देर तक इसे घोलेंगे, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे घोलेंगे। फिर इसको हम तवे में रख के पकाएंगे। ये बड़ी मेहनत का काम है। कितना प्यारा टेस्टी बन गया। ये हमारे किचन किंग है देवुने की। इस कला में इन्होंने बड़ी महारत हासिल की है। ये देखिए क्या सुंदर चंदा मामा की तरह गोल बन गया है। इस उत्तराखंडी गढ़वाली डिश को आप एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। ये सुंदर हो पटोल। और हमारी पहाड़ी भाषा में इसे बोलते हैं सूंटों को पटोड़ा, मतलब लोबिया का पराठा या डोसा, लोबिया का डोसा भी बोल सकते हैं। ये लोबिया और चावल मिक्स करके बनाया गया है, जो इटालियन पिज्जा को भी मात दे सकता है। पक के कैसे हल्का हल्का पीला बन गया है पक के। जितना सुंदर देखने में लगता है उतना ही टेस्टी भी है। आइए चख के देखते हैं। टेस्टी बनी है। बड़ा लजीज है और कुरकुरा भी।
खाने में बड़ा, एक बार जरूर ट्राई करना घर पे, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। देखिए ये दूसरा बना रहे हैं, बिल्कुल देखिए दोस्तों ये डिशा बन चुकी है, अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। हम भविष्य में भी ऐसी पहाड़ी डिशों की वीडियो बनाते रहेंगे, पहाड़ी पकवान पहाड़ी खानों की वीडियो बनाते रहेंगे, और हमारे हमारे कुक देव नेगी जी भी आपसे विदा लेंगे अपने पहाड़ी डिश के साथ। बोले भाई साहब बाय बाय, बस अगली बार हम कुछ और नया खास बनाएंगे, इसलिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और डेली अपडेट देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।